नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। कृषि मंत्री जेपी दलाल के महिलाओं को लेकर बयान पर रोष जताते हुए भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी किसानों ने रेवाड़ी में अनाज मंडी गेट के सामने जेपी दलाल का पुतला फूंका और किसानों ने कहा कि मंत्री अपने बयान को वापस ले, अन्यथा किसान यूनियन चढ़ौनी बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं आपको बता दें कि आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा लोगों का कहना है। अब खबर यमुनानगर से, जहां जागधौली गांव की रहने वाली एक विवाहित ने दहेज के लोभियों से तंग आकर ससुराल में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका इसिका के पिता ने ससुराल पर दहेज के लिए तंग करने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रेशर बना रहे थे उसके ऊपर भी, पैसे ले भी आओ उसकी गड्डी फूट की थी उनकी गड्डी का, बोल रहे थे तेरा बाप ही करेगा भरपाई, अब तेरा बाप तो चाहेगा काम करता है, चारों की शादी जैसी। किन किन के नाम? पूछा राजेश विशाल रोहन, चारों की शादी सजी। धक्के से लेके आए थी परसों रात को, हमने बोला भी अभी न जा, मेरे को बोला तेरे छोटे छोटे कर दूंगा। मामला एक लड़की है इशिका, 23-24 साल इसकी उम्र है और 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी जागदौली और विशाल नाम के लड़के के साथ हुई थी। तो इनका कोई डिस्प्यूट था आपस में, लड़ाई झगड़े का है और ये आरोप है कि भी ये इनसे दहेज मांग रहे थे, सारे कैमरों की तरफ बार बार परेशान कर रहे थे दहेज के लिए। तो इनके बयान पे हमने पर्चा दर्ज कर, ये 304B और 24 इसका पति है, इसके ससुर सास और जेठ। अभी नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है। ये कह रहे हैं कि भी पैसों के लिए काफी परेशान करते थे। हरियाणा में केंद्र सरकार के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में अंबाला जिले के भी में भी इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। गांव खतौली के राजकीय स्कूल में जिला स्तरीय प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। उनके साथ ही राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को सभी सरकारी स्कीमों के बारे में बताया गया। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के तौर पे काबिज होए, उसकी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम था कि किस तरीके से सरकार लोगों के बीच में जाए और एक नया तरीके का संचलन शुरू किया है जिस कार्यक्रम द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि लोग सरकार के अफसर जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्या समझें और वहीं मौके पर समाधान भी करें और उनको जानकारी मिले कि जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं उनका फायदा लोगों को कैसे मिल रहा है, या लाभार्थी अगर उनका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे तो उन तक वो फायदा कैसे पहुंचे, इस सोच के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये भारत के सारे गाँव तक पहुँचने का लक्ष्य है जनवरी के 8 तक। तो मैं इसकी बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि एक ऐसा पहली बार किसी सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है। देखिए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक, जब हिंदुस्तान को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे, तब तक हिंदुस्तान भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। उसके लिए
सारी योजनाओं को सारा जो सोचना है वो अभी से सोचना पड़ेगा। तो आज ये जो सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसका उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अगर कोई रह रहा है तो आज सरकार आपके द्वारा आई है। सारे लगभग 20 विभागों ने यहाँ पर अपने अपने कैंप लगाए हैं। अगर किसी का राशन कार्ड बनना, आयुष्मान कार्ड बनना है, किसी का पीला कार्ड बनना है या कोई भी जो सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा जो स्टॉल लगाया है वो मेन पर्पस है कि लड़के गाड़ी चला रहे हैं, जो बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, जो पहले जो उम्र थी वो 18 साल थी, उसको कम करके सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल कर दिया गया, ठीक है। उसमें विदाउट गियर गाड़ी का लाइसेंस बन रहा है आपका, तो लाइसेंस आज के टाइम में बहुत जरूरी है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो तो उसके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। तो लाइसेंस की जो एज है उसको कम कर दिया गया है, 16 साल कर दिया गया है। और पहले क्या होता था कि 6-6 महीने का लर्निंग लाइसेंस लेके लोग घूमते थे, अब उसमें क्या है कि आप 6 महीने का बनता है लेकिन उसको 1 महीने के बाद आप पक्का बना सकते हैं। और जब भी टू व्हीलर चलाएं उसके लिए प्रॉपर हेलमेट डालें, ट्रिपल राइडिंग ना करें, और फोर व्हीलर गाड़ी जब भी चलाएं या टू व्हीलर चलाएं किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ ना खा के गाड़ी ड्राइव करें। आज हम यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट अम्बाला की तरफ से विकसित भारत अभियान संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अम्बाला में आज ये यात्रा शुरू हो रही है और माननीय मंत्री महोदय स्वयं यहाँ पर आए हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। हम सर के पूरा सहयोग करते हुए यहाँ पे अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम्स चल रही हैं। यहाँ पर NCD विभाग है, इसके अलावा TB विभाग है, आयुष विभाग है। यहाँ पर हर सरकारी स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। सुबह से यहाँ पर लोगों का तांता बांता लगा हुआ है और कम से कम 700-800 लोग तो देखते ही देखते विभिन्न हेल्थ स्कीम्स की जानकारी लेकर जा चुके हैं। भिवानी जिला के गांव बड़वा में पहुंचने पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने रथ का स्वागत किया। 57 रथ प्रदेश के सभी 7000 गांवों में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं कृषि मंत्री सहित उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं, किसानों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने की बात को ध्यानपूर्वक सुना। इसके तहत हरियाणा प्रदेश में अब तक स्वास्थ्य विभाग ने 32 लाख लोगों के हेल्थ चेकअप पूरे किए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। जाकर के 32 लाख लोगों से अपने टेस्ट किए हैं जिससे उनके बीमारी का पहले पता लग जाए। सामाजिक सुरक्षा का पेंशन का हमने 2 लाख रुपए से आय बढ़ाकर के 3 लाख रुपए की सीमा कर दी है। अब जो है 3,250 रुपए से बढ़ाकर के पेंशन को 3,000 रुपए कर दिया। इसी तरह से जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है इसका फायदा 50,000 लोगों को ऋण दिया गया है। इसी तरह से जो आज अपने पैसे पशुओं के ऋण दिए ये उसी योजना का लाभ मिला है। तो ये यात्रा है जो मोदी जी ने आज शुरू की है और हमारे पड़ोस के गांव बड़वा में जो ये यात्रा शुरू हुई है और हमें कल पता चला कि बड़वा गांव में जो ये वैन आ रही है इसमें जो सरकार के जो गांव में आके उस समस्याओं का और उनका समाधान होगा किसानों का, इस यात्रा से हमें बहुत खुशी है। और हम जो सरकार इन अलग अलग मेले लगा रही है, गिगनाऊ है सेंटर पर, हम भी वहाँ भी गए थे, हम हर मेले में जाते हैं और हमें पीछे पता चला कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू। हम यहाँ शिवानी आए हुए थे, हमें पता चला कि भारत विकसित यात्रा बड़ुआ गांव में पहुंची हुई है। हम यहाँ आए, यहाँ के देखा तो यहाँ सभी स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के और संतप तक की स्कीमें का पता चला। यहाँ पर हमें भारत सरकार की कई योजनाओं का पता चला और यहाँ जो आए हुए हैं स्टॉल लगाई हुई हैं, यहाँ बुढ़ापा पेंशन है, परिवार पहचान पत्र है, अनेक जो वंचित लाभार्थी थे जो लाभार्थी की योजना के पत्र थे और नहीं मिला उनको लाभ यहीं दिया जा रहा है, उनकी यहीं समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और हमें यहाँ आने पर अनेक योजनाओं का पता चला। मैं सुरेंद्र गौर, सुरेंद्रा गैस एजेंसी प्रोपराइटर। ये यहाँ प्रोग्राम किया है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है।
संकल्प यात्रा प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे पब्लिक के अंदर बहुत ही जागरूकता बढ़ी है और पब्लिक बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और हमारे जो गैस एजेंसी की तरफ से स्टॉल लगाया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके तहत पब्लिक को समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई इसका कनेक्शन बनाए जा रहे हैं हम और एट द टाइम इनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की गाड़ी आज यहाँ पहुँची, लोगों ने इसका बहुत स्वागत किया। सरकार की सभी जो जानकारियां होती हैं वो स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दी गई। आज से पहले बहुत सारी स्कीमें सरकार निकालती रहती है लेकिन उनकी लोगों को सारी जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इस रोजगार की गाड़ी के माध्यम से सभी लोगों को सारी जानकारियां मिली और सभी डिपार्टमेंटों के यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाए गए ताकि लोगों को उनकी जानकारी दी जा सके या उनके समाधान किए जा सकते हैं। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम या विकास विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में पहुँचे। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।